एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आज हमारे साथ हैं सारिका चौधरी। चलिए अब बात करते हैं बहुजन समाज के मुद्दों की। हमने देखा है कि आजकल नवविवाहित दुल्हनों को अपने घर से आने से पहले पड़ोस के घर में उतार दिया जाता है, फिर अपने घर में लेके जाया जाता है। तो ये कौन सी परंपरा है और ये क्यों फॉलो की जा रही है? देखिए, मुझे जैसा हमने सुना है कि ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन मैं आपको अपने गांव की स्टोरी बताना चाहती हूँ। और ये मेरे गांव में खुद होता था, मतलब जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मेरे ख्याल से मेरे भाई वगैरह भी पैदा नहीं हुए थे, तो मेरी दादी मेरी माँ बताया करती थी कि हमारे गांव में एक 51 गाँव का मुखिया होता था, 51 गाँव का एक मुखिया होता था। और गाँव का मतलब उस गाँव का नियम था, मतलब 51 गाँव का नियम था कि किसी भी समुदाय में, किसी भी जाति में और ख़ास तौर से दलित समुदाय में किसी की भी अगर शादी होके आती है तो पहली रात उसको उसके साथ गुजारनी ही पड़ेगी। तो एक मुखिया ने एक अलग से घर के बाहर एक उसका मकान बना हुआ था, छोटा सा उसने मकान बना रखा था। और जो भी लड़की आती थी, आपको तो पता होगा कि उस समय मतलब जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, तो आप समझ सकते हैं कि 12-12, 13-13 साल में, 8-8 साल में बच्चों की शादी हो जाती थी। और छोटी सी बच्ची को लेकर के उसके सामने जाया जाता था। अब मुझे भी पता नहीं उस समय मुखिया की क्या एज होगी, और उस बच्ची को उसके साथ में रात गुजारनी पड़ती थी। और ये हर रोज का मतलब सिस्टम बन गया था। तो बहुत साल तक ये परंपरा चली है। और मेरी दादी माँ जब बताती थी तो मुझे भी बड़ा अफसोस होता था, मेरी भी बड़ी आँख में आंसू आते थे कि बताओ ऐसा होता था। तो एक तरीके से वो शोषण तो था ही था, और उनके साथ में बहुत गलत होता था। और ये जो परंपरा, अगर अभी भी कहीं पर अगर ये परंपरा चल रही है, तो मेरे ख्याल से सिस्टम को इस पर ध्यान देना चाहिए। सारिका जी ने बिल्कुल सही कहा, अगर कहीं भी ऐसी परंपरा चल रही है तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।